नीमच। चित्तौड़गढ़ में आगामी 23 सितंबर को क्षत्रिय राजपूतों का आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को आमंत्रित किया गया है। इसी दिन सन 2006 में करनी सेना की स्थापना हुई थी। हमारा किसी भी जाति समाज विरोध नहीं है, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण के हम पक्षधर हैं। सभी वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए, यह बात राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह कालवी ने शुक्रवार को रोटरी भवन में मीडिया चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, न ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोहन भागवत एक राष्ट्रहित विचारधारा के संगठन के प्रमुख है, इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया है। कालवी ने कहा कि क्षत्रिय राजपूतों का इतिहास रहा है कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर चले, इस कारण हमारा किसी भी जाति समाज कोई विरोध नहीं है। आरक्षण जातिगत आधार हटाकर आर्थिक आधार पर दिया जाए, इसके लिए हमारा संघर्ष है। किसी भी जाति धर्म के गरीब व्यक्ति को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मायावती करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी दलित कहलाती है, जबकि वास्तविक गरीब दलित जहां था वही है। उन्होंने फिल्म पद्मावती के विरोध को जायज ठहराया और कहा कि इतने प्रबल विरोध के कारण ही पद्मावती 18 दिनों में सिनेमाघरों ऐसे ही बाहर हो गई। यही हमारी जीत है। इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की किसी को इजाजत नहीं। हमने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो इतिहास की सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। इस दौरान लोकेंद्र सिंह कालवी ने करनी सेना के जिला एवं स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक ली और चित्तौड़ में आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों के बारे में चर्चा की। इस दौरान राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित था। संचालन कपिल सिंह चौहान ने किया। राष्ट्रीय स्तर पर चलती अपनी निर्णय में बाधक है। हम चाह रहे हैं कुछ मजबूती प्रदान करें, कुछ मजबूरी भी प्रदान करें, मजबूरी भी पैदा करें, निर्णय आ सके। देखिए, हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। और जब मोहन भागवत जी ने बहुत सोच के कहा होगा आरक्षण की समीक्षा, तो हम सिर्फ समीक्षा की बात कर रहे हैं। समीक्षा का पूरा अगर विस्तृत विवरण अगर चाहते हैं तो वैद्या जी ने मेरे जिला मुख्यालय पर बहुत विस्तार से आधे घंटे तक समीक्षा शब्द को बताया था। आरक्षण किसको, कितना, कैसा, किसको मिला, किसको नहीं मिला, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्यों नहीं मिला, किसको मिला। और दत्तात्रेय होसबोले ने एक एग्जांपल दिया प्रजातंत्र की कितनी मजबूती कि देश का राष्ट्रपति दलित के आ नारायणन अपनी पोती चित्रा नारायणन को शेड्यूल कास्ट के कोटे से IAS बना गया। परिजन नाली साफ कर रहा है, देश का राष्ट्रपति कह रहा है मुझे आरक्षण चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना। दलित खड़ा होगा, वो कहेगा कि मालिक अब तू छोड़, हमें दे आरक्षण, तब होगा ये आरक्षण की समीक्षा। आज मायावती का मकान बाथरूम बता दे, क्या था बाथरूम था 63 लाख रुपए का, गरीब का मकान नहीं होता। 20x18 का बाथरूम 63 लाख रुपए का, 20x18 360 स्क्वायर फुट में तो कुल मिला के मकान बनते हैं, दो जनों के बन जाए। पर मायावती फिर भी दलित है, और जो वास्तविक दलित है वो कह भी नहीं पा रहा है कि मालिक अब तू सवर्ण हो गई, अब हमें नंबर आने दे। देश के क्षत्रिय समाज के सामने खुद RSS के मूलधन्य लोग उपस्थित हों और वो इसकी विवेचना करें कि सर समाप्त किया ही नहीं जा सकता आरक्षण, न मैं पक्षकार क्यों किया ही नहीं जा सकता, उस बकवास में क्यों सकते। दो तिहाई बहुमत चाहिए पार्लियामेंट में, एक है सेना के 12 साल के बर्थडे पर। कोई आए नहीं आए, कोई कितनी विवेचना करे उससे हमें चिंता नहीं है। हमें इस बात की है कि हम पद्मावत की समीक्षा करें, हम कितने हारे, कितने जीते, क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने एक चीज़ सुनिश्चित कर ली, अगले 50 साल तक राजपूत को नहीं चलेगा, राजपूत के इतिहास को नहीं चलेगा, ये तो कहना पड़ेगा। और हम ये चाह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा पर अगर जिनके शब्दों जिनके मुंह से ये शब्द निकले हैं अगर वो लोग बोले तो
मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ ये एक बड़ी चीज होगी। और निर्णय लाने में जो इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी बाधक है, वो कम से कम वो फिर इच्छा शक्ति थोड़ी सी।